हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS नॉलेज हब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कंप्यूटर की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं SSC, SSC, DDA और रेलवे के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, जिसमें कंप्यूटर के विषय से लगभग 2 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में से मैं ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और आपके लिए, जो SSC के लिए जो भी छात्र हैं, जो SSC के लिए अप्लाई किए हैं या SSC के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें MS वर्ड का पार्ट 1 ही है, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसके बाद MS ऑफिस के जितने भी सूट हैं मैं उसमें सभी के लिए वीडियो बनाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, MS वर्ड से पहला प्रश्न है, MS वर्ड की विशेषता क्या है? तो देखिए, MS वर्ड की विशेषता क्या है? MS वर्ड की विशेषता है इसमें से स्पेलिंग चेकिंग और ग्राफिक्स भी इसकी एक विशेषता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ये स्पेलिंग चेकिंग और ग्राफिक, ये दोनों इसकी विशेषताएं हैं। देखिए, जिस किसी भी MS वर्ड के जो डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग आपके अगर गलत है, आप स्पेलिंग चेक करनी है, तो F7 की दबा कर भी आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। मैं ये आपको दिखाता हूँ किस तरीके की स्पेलिंग चेक होती है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, जिसे ये लिखा है इसमें नॉलेज, ये नॉलेज में एक रेड लाइन दिखा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। आप यहाँ दो तरीके से स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। एक तो आप F7 की प्रेस करेंगे तो वहाँ से भी स्पेलिंग चेक हो सकती है, और दूसरा आप यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट क्लिक के बाद यहाँ ये विंडो खुलेगी। इसमें आपको साफ इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग वो यहाँ दिखेगी, आप यहाँ से क्लिक करके स्पेलिंग सही कर सकते हैं। MS वर्ड की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? तो रन कमांड का उपयोग, जो रन कमांड होते हैं, विंडो प्लस R दबा करके उसको ओपन करते हैं। आप उसके बाद आप MS वर्ड टाइप करेंगे। MS वर्ड टाइप करने के बाद आपको, फ्रेंड्स, अगर आप सर्च बॉक्स में जाकर के MS वर्ड को सर्च करना चाहते हैं, आपके जितनी भी एप्लीकेशन है, तो आपको MS वर्ड टाइप करना होगा। यदि आप रन कमांड के द्वारा विंडो प्लस R दबाते हैं, उसमें आप वहाँ आपको जो डालना पड़ेगा, बिन वर्ड डालना पड़ेगा, WINWORD, बिन वर्ड आप डालते ही एंटर करेंगे तो आपके सिस्टम में जहाँ भी MS वर्ड होगा आपको जो ओपन होकर के सामने आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट है, MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो MS वर्ड में जितनी फाइल बनता है वो .doc का एक्सटेंशन नेम होता है, और डॉक्यूमेंट के ही रूप में उसका फाइल का नाम होता है, तो हम इसे डॉक्यूमेंट बोलते हैं MS वर्ड को। तो इसका ऑप्शन जो D सही होगा। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है? तो जो पेज सेटअप कमांड होता है उसकी सहायता से हम मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, पेपर साइज भी सेट कर सकते हैं, और कलर भी सेट कर सकते हैं, और पेपर शो लेआउट भी सेट कर सकते हैं। अर्थात इसको जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन A और B। फाइल नेम को हम पेपर सेटअप कमांड से नहीं करते हैं चेंज। फाइल नेम को आप शॉर्टकट की F2 से भी फाइल नेम चेंज कर सकते हैं, या फिर फाइल मेन्यू में जाकर के इसको फाइल नेम बदल सकते हैं। आप जो है यहाँ पर ए और बी ऑप्शन ठीक होगा, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो जी हाँ, आपको जो वर्किंग फील्ड होता है उसे हम टास्क बार बोलते हैं, और टास्क बार को ही जो हमारा वर्किंग फील्ड होता है उसे कार्य क्षेत्र मापने के लिए उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2007 में कमांड जो फाइल को खोलने और सेव करने और बंद करने के लिए कौन सी कमांड दी गई है? तो ये ऑफिस बटन है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिस बटन कहाँ होता है। MS वर्ड 2007 आप जैसे ओपन करेंगे, जी देखिए, आप ये आइकन देख रहे हैं, यहाँ ये MS वर्ड ये सब बोलते हैं ऑफिस बटन। आप यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ न्यू, ओपन, सेव, सेव है, जिस तरह की फाइलें यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये यहाँ से इस पर इसे ऑफिस बटन बोलते हैं। इसी का उपयोग जो है आपको न्यू फाइल खोलने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, ये क्लोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? तो हम अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उसको हम प्रिंट व्यू में जाकर के दे सकते हैं। सपोज जैसे मुझे इसी स्लाइड का अपना प्रिंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑफिस बटन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद ये प्रिंट है, प्रिंट व्यू में जाकर के यहाँ प्रिंट प्रीव्यू, तो प्रिंट प्रीव्यू में जाऊँगा तो मुझे आपको ये प्रिंट व्यू दिख जाएगा, और मैं यहाँ से इसमें अगर मुझे लगता है कि मिस्टेक है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ इसको, या फिर दोबारा से इसे सही कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आप यहाँ से अपना प्रिंट ले सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, अर्थात शॉर्टकट की? तो हम पहले तो मैं आपको बताता हूँ, किसी भी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए हम उसमें जो है कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपको पूरी एक पार्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करना है तो आप माउस के द्वारा भी इस तरीके से सिलेक्ट
कर सकते हैं। जैसे मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया है, अब मुझे इसको बोल्ड करना है, ये पहले से ही बोल्ड है, मैं इसको आपको पहले बोल्ड अनबोल्ड कर देता हूँ, ये रहा। अब जैसे बोल्ड का मतलब होता है अक्षर थोड़े मोटे चमकने लगते हैं, अब ये इसी लाइन को बोल्ड करना है तो मैं कंट्रोल प्लस बी दबाऊंगा और ये बोल्ड हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, अर्थात शॉर्टकट की अगर एक तो जैसे यहाँ पर आपने देख रहा है ये जो सिंगल अंडरलाइन है, अगर मुझे डबल अंडरलाइन अगर करनी है तो उसके लिए मुझे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबाना होगा, जिससे कि हमारे डबल अंडरलाइन होती है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको एमएस वर्ड में कैसे डबल अंडरलाइन सेलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स जैसे मैंने ये जो लाइन है एमएस नॉलेज, तो मैं इसको डबल अंडरलाइन अगर मैं करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी दबाना पड़ेगा, ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस यू दबाऊंगा तो वो सिंगल अंडरलाइन होता है, अगर डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और प्लस डी दबाना होता है, जिससे कि हमारा डबल अंडरलाइन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो आपका सी ऑप्शन इसका ठीक सही होगा। इसके बाद है वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक समाधान निम्नलिखित में से कौन सा है, वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक समाधान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक के लिए काम करता है वो क्लिप आर्ट होता है। क्लिप आर्ट में आप जाकर के विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स देख सकते हैं और अपने जो फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, जो डबल लाइन अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग करता है, इसका ऑप्शन जो सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट के भाग की सूचना दूसरे भाग में दिखाता है, तो ये क्रॉस रेफरेंस होता है, जिसके द्वारा हम एक डॉक्यूमेंट भाग को दूसरे डॉक्यूमेंट में जो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लाइन को लेफ्ट अलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है, तो सिलेक्टेड लाइन को अगर हमें लेफ्ट अलाइन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होगी एल, और अगर हमें राइट करना है तो यहाँ कंट्रोल प्लस आर हो जाएगा, इसका जो आंसर समय होगा लेफ्ट के लिए ए कंट्रोल प्लस एल, और अगर राइट करना है तो आपको कंट्रोल प्लस आर, अगर आपको मीडियम में रखना है तो कंट्रोल प्लस ई। मैं दिखाता हूँ, जैसे मुझे इस लाइन को सिलेक्ट किया है, जैसे मुझे लेफ्ट करना है तो मैं यहाँ कंट्रोल प्लस एल दबाऊंगा और ये लेफ्ट हो जाएगी। देखिए हमने कंट्रोल प्लस आर द्वारा आर प्रेस करता हूँ तो ये कंट्रोल प्लस आर से जो है आपकी राइट हो जाएगी और एल से लेफ्ट हो जाएगी। अगर मुझे इसको मीडियम में लेना है यानी सेंटर में, तो कंट्रोल प्लस ई से मैं इसे मीडियम में ले सकता हूँ अर्थात सेंटर में आ सकता है, तो कंट्रोल प्लस एल रहते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है, किसके लिए कंट्रोल प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। देखिए कंट्रोल प्लस डिलीट की का उपयोग किया जाता है, कर्सर जो हमारा कर्सर होता है, कर्सर मीन्स जिसे ये एक जो ब्लिंकिंग लाइन आपको दिख रही होगी, हाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ ये ब्लिंकिंग लाइन है, तो ये ब्लिंकिंग लाइन को कर्सर बोलते हैं। अभी कर्सर के ठीक बाद का शब्द को अगर हमें हटाना है, कोई भी उसका साफ बाद का शब्द उसको हटाना है तो हम कंट्रोल प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ जैसे नॉलेज के बाद हब लिखा है और ये मुझे हब को यहीं से डिलीट मारना है, तो मैं यहीं से कंट्रोल प्लस डिलीट दबा दूंगा और ये जो है आगे का जो इसका कर्सर का जो आपको ब्लिंकिंग लाइन चमक रही है इसके बाद का जो भी शब्द होगा वो हट जाएगा, ये कंट्रोल प्लस डी का वर्क है। तो कंट्रोल प्लस डिलीट से जो होता है जो कर्सर के ठीक बाद के शब्द को हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस है, यानी कि जिससे हम पीछे को हटाते हैं, तो उसका जो ठीक पहले का शब्द हटाने के लिए अगर हम उपयोग करना है तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट ये किस तरीके के उपकरण है, यानी कि ये किस तरीके की कमांड हमारी, तो ये हमारी एडिटिंग है जिनके द्वारा हम अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं, ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट। वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन नेम है डी ओ सी, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट का शॉर्ट फॉर्म है अर्थात ये वर्ल्ड जो फाइल है उसका एक्सटेंशन नेम होता है। हर अपने एक फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, अगर वो जिस सॉफ्टवेयर की है उस सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे एक्सेल की अगर कोई फाइल है तो एक्सेलएक्स होगा, अगर कोई वर्ड पैड किया तो उसका टीएक्सटी होगा, तो इसी तरीके से एक एक्सटेंशन नेम होता है फाइल का। तो ये जो डीओसी है ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक बार में एक दस्तावेज में कई बदलाव करने के में समक्ष बनाता है, तो ये जो आपका है रिप्लेस कमांड, रिप्लेस कमांड के द्वारा आपको अगर अपने किसी दस्तावेज में, जैसे यहाँ पर ये वर्ड है,
और इसमें पूरी फाइल में कई जगह वर्ड आया है, इस वर्ड की जगह मुझे कोई लेटर लिखना है, यानी कि मैं इसे वर्ड नहीं चाहता, मुझे लेटर लिखना है यहाँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं कंट्रोल प्लस एफ दबाऊंगा, और एफ दबाने के बाद इस तरीके से विंडो खुलेगी, और मैं यहाँ से मुझे जो भी रिप्लेस करना है उसकी जगह मैं यहाँ वर्ड लिखूंगा डब्लू, जैसे मैंने यहाँ कोई भी वर्ड लिखा है वर्ड, इसे मैं लेटर में चेंज करना चाहता हूँ, कोई भी इसकी जगह मुझे लेटर लेना है तो मैं यहाँ रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो जितनी भी जगह वर्ड है यहाँ देखिए आप ऑटोमेटिक लेटर हो गया। तो ये जो होता है रिप्लेस कमांड का होता है यूज। आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको बहुत जल्दी एक प्रतिलिपि संचालन के लिए निम्नलिखित में से कोई अच्छा ऑप्शन बताइए। तो जो भी आप त्वरित प्रतिलिपि करनी है तो कॉपी और पेस्ट है, या बहुत साधारण से आप जानते हैं कॉपी और पेस्ट। और इसके साथ अगर आपको देखिए कॉपी पेस्ट क्या है, आपने कोई कम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी आपने टेक्स्ट कॉपी किया है तो कॉपी करने के बाद उसको आप कहीं पेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये बहुत ही जल्दी करना है कि कॉपी करना है, कॉपी ना ही करना पड़े एकदम से पेस्ट करना, तो आप क्या करें किसी भी जो लाइन जिसे आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसको कॉपी करेंगे, कॉपी के बाद पेस्ट। तो ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। आप इसे अगर त्वरित एकदम करना चाहते तो आप क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इसको कहीं भी आपको यहाँ फॉर्मेट कहीं भी पेस्ट करना है आप यहाँ छोड़ देंगे, देखिए वहां से यहाँ आ गया। तो ये इतना काम ही कॉपी पेस्ट हो सकता है, तो ड्रैग और ड्रॉप को और भी इजी बना देता है। तो अगर त्वरित के लिए अगर आपसे पूछा जाता है तो त्वरित के लिए यानी त्वरित मीन्स यानी फास्ट, अगर जल्दी आपको एकदम से कॉपी पेस्ट करना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टूल बार पर आप फॉर्मेट पेंट टूल पा सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंट टूल बार आप जो है फॉर्मेट टूल बार जो फॉर्मेट पेंटर टूल पा सकते हैं वो आप स्टैंडर्ड टूल बार में पा जाएंगे, जिसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप ड्रॉ टेबल टूल बटन कहाँ पा सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल टूल बटन जो आप जिसका सही आंसर होगा टेबल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आप ड्रॉ टेबल टूल बार बटन कहाँ पा सकते हैं, टेबल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। किस टूल बार में क्रो बटन होता है, तो क्रो बटन जो पिक्चर टूल बार में होता है आप पिक्चर टूल बार में जाकर के क्रो बटन इसका यूज कर सकते हैं। क्रो मीन आप किसी पिक्चर को क्रो करना चाहते हैं उसे क्रो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। ये आपको मैंने बताया कि कंट्रोल प्लस बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कार्य क्षेत्र ये मैंने वर्किंग फील्ड बताया था आपको, वर्किंग फील्ड जो होता है हमारे टास्क बार होती है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम वर्ड वर्ड और लेटर बनाते हैं, जिसमें हम वर्डों को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उनमें अच्छे स्टाइल डाल सकते हैं और कोई भी अपना लेटर बना सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर सकते हैं एमएस वर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड को ओपन करने में कितनी स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। तो इसमें जो है आपको जो एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो इसमें आपको दो स्क्रीन विंडो दिखाई देती हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन्यू किस मेन्यू का प्रयोग डॉक्यूमेंट की विशेष सामग्री को आकर्षित करने के लिए कहता है। अर्थात आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को आप अच्छे विशेष आकर्षण देना चाहते हैं, उसमें अच्छा स्टाइल देना चाहते हैं, उसमें अच्छे जो इफेक्ट देना चाहते हैं जिससे कि वो बहुत आकर्षित लगे देखने में। तो इसके लिए आप इन चार में से कौन सा एक मेन्यू का यूज करेंगे जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट अच्छा बने, आप कौन से मेन्यू का प्रयोग कर करके आप अपने डॉक्यूमेंट की सामग्री को आकर्षित बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कौन से मेन्यू के द्वारा आप डॉक्यूमेंट की विशेष सामग्री को आकर्षित बनाते हैं, अर्थात एट्रेक्टिव बनाते हैं। फ्रेंड्स जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं एमएस वर्ड पार्ट टू के और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आऊंगा, वो अंतिम पार्ट होगा इसका। उसके बाद हम एमएस एक्सेल की जो है वीडियो बनाएंगे उस पर। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बहुत ही चुनिंदा बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रिपल सी के और भी अदर एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता सकता हूँ, फ्रेंड्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर के एम एस नॉलेज टाइप करेंगे वहां से आपको चैनल मिलेगा, आप इसके सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर दीजिए। फ्रेंड्स मैं समय समय पर आपके जो रोचक जो शिक्षा पर वीडियो है वो बनाते रहता हूँ, और मेरा एजुकेशन चैनल है तो इसमें मैंने ट्रिपल सी और जो सामान्य ज्ञान है या जो भी करंट के टॉपिक्स हैं करंट अफेयर हैं वगैरह वगैरह की मैं वीडियो समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। फिलहाल मैं अभी एक कंप्यूटर सीरीज लेकर चल रहा हूँ, तो आज ही मेरी पहली वीडियो थी कंप्यूटर सीरीज की, और अभी आने वाले वीडियो हैं जो भी ट्रिपल सी से स्टूडेंट रिलेटेड हैं वो इन वीडियो को देखते रहें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।